आज मैं आपको एक ऐसे पेशेंट से मिलवाने जा रहा हूं जो किडनी का फंक्शन जीरो था, जिनकी किडनी का फंक्शन नील था, सही कह रहा हूं? यस। कितना था सर? जीरो था। जीरो था, नॉन फंक्शनिंग एंड नॉन विजुलाइजेशन था। नॉन फंक्शनिंग एंड नॉन विजुलाइजेशन। आप एजुकेटेड हो? यस। कहां तक पढ़े हो सर? बीएससी। बीएससी साइंस में करी, नॉलेज पूरी है। नॉन विजुलाइजेशन एंड नॉन फंक्शनल किडनी थी, और अब उन्होंने सिर्फ 2 महीने के अंतराल में ये टेस्ट कराया है। मतलब 1.5 महीने के अंदर ये टेस्ट हुआ है। 1.5 महीने के अंतर में किस प्रकार से एक किडनी जिसका साइज भी नहीं नजर आ रहा डीटीपीए में और जिसका फंक्शन भी नहीं नजर आ रहा, उसको जीवित करके हम कहां से कहां ले जा सकते हैं, मैं वो आज आपको उदाहरण स्वरूप दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से ये हुआ है, हो चुका है ऑलरेडी। क्या क्या प्रॉब्लम थी जब आप आए थे, उस समय क्या क्या दिक्कत आ रही थी? सर मेरी किडनी नहीं, विजुलाइजेशन नहीं थी। मैं एम्स में गया, पीजीआई भी गया, और जो मेरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हॉस्पिटल हैं, जो सर्जन है, मेरे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट है, सबको दिखाया, सबने बोला कि ये किडनी निकालनी पड़ेगी। थोड़ा तेज बोल सर। सबने बोला, सबने बोला कि किडनी रिमूव करना पड़ेगा। मैंने सबको दिखाया, नेफ्रोलॉजिस्ट को भी दिखाया, उन्होंने बोला कि कोई नहीं कर सकता। सर एक दिन मैं बैठा हुआ, बहुत ज्यादा रो रहा था, मतलब बहुत डिप्रेशन में था। आई वाज इन डिलेमा सर, आई एम टोटली कंफ्यूज, व्हाट शुड आई डू एंड व्हाट शुड आई नॉट टू डू। तो दैट टाइम मैंने आपकी वीडियो देखी, तो सर मैंने कॉल किया आपके पास, कॉल की के मैंने सर से पूछा कि ऐसा हो सकता है कि हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। तो सर मन नहीं माना, मैं आया नहीं। फिर ऑपरेशन किया मेरा, और फिर एक बार मैंने सोचा कि आपके पास आता हूँ। आपने यू आर द फर्स्ट पर्सन सर टू टेल मी कि आपका किडनी बच सकता है। तो सर मैंने फिर 1 महीना मेडिसिन लिया, तो मैं वीकनेस आता था बहुत ज़्यादा, यूरिन आता था बार बार, ज़्यादा रात को उठ के वो इम्प्रूव हुआ, खड़ा नहीं हो जाता था, चुभन लगती थी, वैसा भी नहीं हो रहा है। और सर मैम ने भी 2 बार डीटी भेजा है। ये जो आपकी रेडियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने 2 बार डीटीपीए कंडक्ट कराया है। हाँ जी मैम, ये पहली बार सर कंफ्यूज थी, ये बोलते हैं इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, आप सेकंड डे आओ। उन्होंने मेरे को सेकंड डे बुलाया, फिर बोला कि जहाँ से आप ट्रीटमेंट करा रहे हो उनको उनके ऑब्जर्वेशन में रहना। सर आई वुड लाइक टू से यू आर द गॉड फॉर दोज पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम किडनी डिजीज डेली। सर यू आर लाइक अ गॉड। गॉड तो ऊपर वाला है, आई एम जस्ट डॉक्टर और मैं वहीं तक ठीक हूँ, लेकिन बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स नजर आए हैं, इसलिए बहुत अच्छा। आई एम वेरी हैप्पी एंड माय होल फैमिली वाज वेरी हैप्पी। सर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में। तो क्या रेडियोलॉजिस्ट का क्या रिएक्शन था, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में ऐसा केस नहीं देखा होगा, आई एम वेरी श्योर। यस सर, वो बिल्कुल, मतलब वो बोलने की ऐसा नहीं हो सकता, ये कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है कि स्टैंड आपके कितने, जो स्टैंड था मेरे ये ऊपर लेके जा रहा है, जो था कि आप दोबारा आओ। उन्होंने मेरे को बार बार पानी पिलाया, पोर्टल से वहीं पे बिठा के, और खाना खाने के लिए बोला, खाना खिलाया, पानी पिलाया, खाना खिलाया, पानी पिलाया, क्या कि इम्प्रूवमेंट है आपकी किडनी 10% तक वर्क कर रही है, 0 से 10% आ गई है, और विजुलाइजेशन भी है सेम साइज में जो साइज होना चाहिए। पहले विजुलाइजेशन नहीं थी, अब विजुलाइजेशन भी हो गई है किडनी की, जो कि बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे संभव हुआ और हो चुका है संभव, और आप देख सकते हैं रिपोर्ट है 11 जुलाई 2019 की, मेरठ स्कैन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड की रिपोर्ट है, एंड यहाँ पे राइट किडनी का फंक्शन जो है 75 है, लेफ्ट किडनी फुटोपनिया परसिस्टिंग सेम एज अर्लियर इमेजेस, अनेबल टू सी दैट। लेफ्ट किडनी का अगर हम देखेंगे तो नॉन फंक्शनल एंड नॉन एंड इज नॉट सीन इन दिस डीटीपीए स्कैन में, किडनी दिख भी नहीं रही है, non-visualized, not visualized in the renal fossa and non-functional भी है, zero function है इसमें, 0 ml/min की functioning में kidney है, दिखा दो इसको जाके world में किसी भी nephrologist को, उसकी सारी की हुई पढ़ाई जो है ना वो fail हो जाएगी इसके आगे, 0 ml का function है, निकालने का protocol है, 11 नवंबर 2019 को आप देखेंगे 7 ml/min की फंक्शनिंग है, 7 ml/min। अब आप देखेंगे रिटेंशन नोटेड, रिटेंशन परसिस्टेड, जो इनका फिल्ट्रेशन जीरो था उसमें अब रिटेंशन भी हो रही है और वो परसिस्ट भी कर रही है, 7 ml की फंक्शनिंग भी हो रही है किडनी की। अब आप दिखाइए किसी भी डॉक्टर को, 0 से लेके 7 ml की फंक्शनिंग, 700% की इंप्रूवमेंट इसे कह सकते हैं, और ये नॉन विजुअलाइज थी किडनी, दिख नहीं रही थी डीटीपीए में, और किस प्रकार से दिखी है ना, रेडियोलॉजिस्ट ने भी 2-3 बार इसे कंफर्म्ड किया है, 2 दिन तक टेस्ट हुआ, विच इज ऑफ अराउंड 2.5-3 आवर्स, इनको 2 दिन तक वो टेस्ट करवाया। ये रिपोर्ट मैंने आपको यहाँ से कराने के लिए मैंने बताया था या खुद जाके कराया? नो सर, जो मेरे बिजनौर से मेरे को एक डॉक्टर ने बताया था, आपने नहीं बताया, आपने खुद कराया, जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट इनको विजिबल हुए,
तो ये देखिए, अगर ये संभव है ना, तो आपकी अपनी किडनी अगर किसी की खराब है तो वो क्या, वो तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो जीरो था, कुछ चल ही नहीं रही थी किडनी इनकी, जो बिल्कुल बंद थी किडनी, खत्म थी बिल्कुल किडनी, जीरो से लेके 7 ml तक इनका फंक्शन हो चुका है। किस प्रकार हुआ है वो, ये रिपोर्ट्स आर स्पीकिंग लाउडर देन एनीथिंग, ये बता रही है किस प्रकार से इंप्रूवमेंट आई और किस प्रकार से इंप्रूवमेंट आ सकती है। तो क्या आपका उस टाइम क्या मानना था जब एम्स गए, पीजीआई गए, सारे बड़े हॉस्पिटल जाने एक बार तो किडनी निकलवाने चला गया था, क्योंकि रिपोर्ट्स है ना ऐसी। अब देखो ये बीमारी ऐसी होती है कि अगर हो जाती है ना तो सबको परेशानी होती है, सबको दुख हो जाता है, पूरी फैमिली हिल जाती है। इनफैक्ट बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं, और ये आप देखिए किस प्रकार से नॉन विजुअलाइजेशन से लेके ये विजुअलाइज भी हुई है और फंक्शनल एबिलिटी भी इसकी आई है। यहाँ पे नॉन विजुअलाइज 0%, रिटेंशन नोटेड, रिटेंशन परसिस्टेड, इज विजुअलाइज प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन हुआ है इसमें, और यहाँ पे इट्स नॉट विजुअलाइज इन द रेनल फॉस्ट। तो ये बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है, और ये वर्ल्ड वाइड जो है इस पर आप इसको किसी भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं, किसी भी रेडियोलॉजिस्ट को, नेफ्रोलॉजिस्ट को, तो ये उसकी जो एजुकेशन है वो, उसने कभी इस तरह का केस नहीं देखा होगा कि ये संभव है भी या नहीं, ये संभव हम कर रहे हैं ऐसे एक नहीं सैकड़ों हजारों पेशेंट के सामने हमने ऐसे देखे हैं और करा है जिनको इम्प्रूवमेंट्स आ रही है, निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, फंक्शनल एबिलिटी बढ़ गई। ऐसे तो बहुत बहुत केसेस हैं, बहुत हमारे पास अनलिमिटेड पेशेंट्स हैं इस तरीके के, और आज एक और पेशेंट से आपको उसी तरीके से मिलवा रहे हैं। जरूरत है तो सिर्फ हौसले की, और उस हौसले को यहां तक लाने की कि आप यहां पर, करेज की जरूरत है, ट्रीटमेंट के लिए करेज चाहिए आपको, आप आइए शुरू कीजिए सारी चीजें और आप देखिए किस प्रकार से आपको इंप्रूवमेंट आ रही है। क्योंकि हमारे आसपास का जो माहौल है ना, दैट इज वेस्टर्नाइज, दैट इज मॉडर्नाइज, हमें आयुर्वेद तक आने से कई बार रोकता है क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग उस प्रकार से होती है। कर्मा आयुर्वेदा आज ये सिद्ध कर चुका है कि किस प्रकार से किडनी का इलाज किया जा सकता है, किस प्रकार से किडनी का इलाज किया जा रहा है, और किस प्रकार से जीरो फंक्शन को हम 7 ml तक मात्र 45 डेज के एंड पे हम ला सकते हैं और ला रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो है ना, दिस इज साइंटिफिक, दिस इज वेरी साइंटिफिक, एंड दिस इज ऑल, आप कह सकते हो इससे बड़ा कोई प्रूफ नहीं हो सकता। और ये रिपोर्ट जो है इन्होंने अपने आसपास से कराई। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन पेशेंट्स, जैसे आप परेशान थे ना, बहुत पेशेंट परेशान हो रहे, आपको विश्वास नहीं हो रहा था, हो सकता है औरों को भी ना हो रहा, तो आपको कुछ बताना पड़ेगा कि जैसे आपको विश्वास हुआ, आपको फायदा हुआ, जिससे और लोगों को भी फायदा हुआ, विश्वास हुआ। मैं ये कहना चाहूंगा, जो पहले अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो वो एक घबराए नहीं, पैनिक नहीं हो, क्योंकि उस टाइम पे जो पेशेंट्स होते हैं वो डर जाते हैं, बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, जाके या तो किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं या फिर डायलिसिस पे चले जाते हैं, जिसका कोई मेरे को नहीं लगता कि खास ट्रीटमेंट है। तो एक बार विश्वास कीजिए, टेस्ट कीजिए, एक महीना यहाँ से मेडिसिन लीजिए, आइए, और सबसे पहली बात सर विश्वास रखिए, विश्वास है तो सब कुछ है। बहुत बढ़िया, विश्वास है तो सब कुछ, विश्वास बहुत जरूरी है सर, विश्वास होना चाहिए। जो एक बार आपने ठान लेना कि थिंक पॉजिटिव सो गेट पॉजिटिव, इफ यू थिंक इन योर माइंड सो नोबडी कैन स्टॉप यू, आपने सोच लेना चाहिए कि ऐसा होगा तो कई बार ऐसा हो जाता है, आपको सोचना चाहिए। मेरे को तो सारे रास्ते बंद हो गए थे, बिल्कुल कुछ नहीं था, सब बिल्कुल कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो जा रहा हूँ निकलवाने के लिए। एक बार चला भी गया था, सोचा कि आपके पास एक बार ट्राई करता हूँ सर, आया पहले मंथ में मेरे को, मैंने पहले मंथ बहुत अच्छे से, आपने जो योगा वगैरह बोला था वो भी नहीं किया, मैंने सिर्फ मेडिसिन लिया सर, और उसके बाद नॉनवेज भी खाया कभी कभी बीच में, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं ठीक हूँ सर, मैं फिट हूँ, मेरे को ऐसा लगता है मैं कि अंदर से एनर्जेटिक वेव आती है, पहले खड़ा नहीं हो जाता था, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलते थे, बार बार यूरिन आता था, अब रात को आराम से सो जाता हूँ, नींद भी आती है, पहले नींद नहीं आती थी, और भूख भी अच्छी लगती है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे रिजल्ट नज़र आए हैं। तो इन्होंने चीट डेज भी बहुत करे हैं, लेकिन इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छे विजिबल हुए हैं, और अच्छे से इन्होंने सब चीज़ें लग के फॉलो करी, एंड द पेशेंट इज आउट, अभी इनको आउट ऑफ द नेफ्रेक्टोमी, किडनी निकालने की जरूरत इनको नहीं है, और बहुत अच्छे इनको चेंजेस हैं। अभी इन्होंने एक चीज़ बोली कि हमें उस पर विश्वास करना ज़रूरी है, शायद ये बहुत सही बोला कि हमें पहले अपने आप में मानना पड़ेगा। गीता, भगवत गीता का सार यही है कि अ मैन इज व्हाट ही हिमसेल्फ बिलीव टू बी, वो जो मानेगा ना, अगर वो मानता है तो ठीक हो सकता है, और उसी राह पे चलता है और उसको राह दिख रही है और उस राह पे चल रहा है तो वो ठीक होता चला जाएगा। जरूरत है तो शुरू करने की और आगे बढ़ने की, कदम उठाने की। बहुत अच्छे इनको रिजल्ट नजर आए, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड मैं आल्सो वेरी प्राउड, आज इस तरह के भी बहुत से पेशेंट्स हैं और जुड़ते चले जा रहे हैं। स्टॉप किडनी डायलिसिस।